हाय एवरीवन, दिस इज़ शेफ़ रुचि कोहली हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल प्लेटर। हाँ जी, सही सुना आपने, नवरात्रि में हम एंजॉय करेंगे पूरा एक प्लेटर। और ये बना है एक मास्टर डोर से, जिससे हमने बनाया है डोसा, उत्तपम, अप्पे एंड ढोकलास। इसके साथ मैंने आप बताया है यहाँ दो प्रकार की चटनी, एक हरी चटनी और एक चटनी जो कि हम बनाएंगे नारियल और मूँगफली से। सभी चीज़ें बनाने के लिए हमें एक मास्टर बैटर रेडी करना है, जिसके लिए चाहिए हमें आधा किलो भगर यानी समक के चावल, ये 2.5 कटोरी है मेजरमेंट में, और 1 कटोरी मैंने इसमें साबूदाना डाला है। आप इसे पानी से धो लीजिए अच्छे से और उसके बाद इसका पानी निकाल दीजिए। इसमें एक बार फिर पानी डाल के इसको भिगो देंगे। ये पूरा ओवरनाइट सोक किया हुआ है, आप चाहें तो इसको 4 से 5 घंटे भी सोक कर सकते हैं। अब मैं इसको जार में डाल के पीसूंगी, इसे मैं 2 पार्ट में पीसूंगी, ये काफ़ी सारा मिक्स है। ये हमारा मिक्स बनके रेडी हो गया है, अब इसे हम 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। कोकोनट चटनी बनाने के लिए हम लेंगे रोस्टेड पीनट्स, जिनका कि मैंने स्किन निकाला हुआ है, और इसे ले लेंगे एक जार के अंदर, ये 1 बोल के करीब है, और इसमें डाल देंगे 1/2 कोकोनट, जिसको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में डाइस किया और डीस्किन किया है, 2 ग्रीन चिलीज और जिंजर 1 इंच के करीब, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच दही लिया है, सम करी लीव्स और थोड़ा सा वाटर। ये वाटर आप अकॉर्डिंगली ऐड करते जाएंगे बीच बीच में, जितना कि आपको रिक्वायर्ड होगा चटनी पीसने के लिए। ये देखिए, हमारी पीनट की और कोकोनट की चटनी रेडी हो गई है पिस करके। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब एक छोटा सा पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल, और इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 रेड चिलीज और 1 कड़ी पत्ते का बंच। जैसे ही तड़क जाता है इसे गरम गरम डाल देंगे हम अपनी चटनी के ऊपर, और लीजिए हमारी नारियल की चटनी हो गई है रेडी यहाँ पर। व्रत की चटनी के लिए हमें चाहिए यहाँ पर रोस्टेड किए हुए पीनट्स, धनिया, धनिया को हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, हमें इसे पीसना ही है, और अदरक, हरी मिर्च, पुदीना, ये सब क्लीन करके हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप के करीब मूंगफली ली है, 2 से 3 हरी मिर्च, जैसे कि आपको टेस्ट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 बंच पुदीने का और 1 बंच धनिया का। इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। सेंधा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इसमें आप थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे एकदम, बीच बीच में आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसे फाइन पेस्ट बनाने के लिए।
अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दही। अब इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। हमारे मास्टर बैटर को हो गए हैं पूरे 8 घंटे और ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, इसमें कितने सारे बबल्स आए हैं। ये बैटर जो है इडली और डोसे के बैटर की तरह है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं एक पोर्शन अलग कर रही हूँ ढोकले बनाने के लिए। मैंने यहाँ 4 करछी बैटर लिया है ढोकले के लिए। अब इसमें 1 चम्मच मैंने ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट डाला है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक बोल में 2 स्पून्स वाटर ले लें और उसमें डालें 1 स्पून साइट्रिक एसिड और इसे अच्छे से डिसॉल्व कर लें। इसमें डालें 4 स्पून्स के करीब कर्ड, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा एंड 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर। ये हमारा होममेड इनो रेडी हो गया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने ढोकला के मिक्स में और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप ढोकला मेकर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक थाली ले रही हूँ जिसको कि मैं फ्राइंग पैन में रखूँगी। मैंने इस थाली को ग्रीस कर लिया है अच्छे से, इसमें मैं ढोकले का जितना भी मिक्स है वो डाल दे रही हूँ। इस पर थोड़ी सी रेड चिली स्प्रिंकल की है, ये कम्प्लीटली ऑप्शन है आपको डालनी है या नहीं। ये मैंने पैन में पानी लिया है और उस पर स्टैंड लगा के मैंने ढोकला स्टीम होने रख दिया है। जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है हम बना लेते हैं मसाले वाले आलू डोसे के लिए। इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई जिसमें डाला है 2 चम्मच तेल और इसमें भुनेंगे हम थोड़ा सा जीरा। जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल होता है हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। हमारा मसाला भुनते ही हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए 5 से 6 आलू। इनको मैंने मैश करके डाला है। अब इन आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सेंधा नमक। थोड़ी देर आलू भुनने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। उत्पम बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक पैन पे 1 करछी आटा डालेंगे और इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। इस पे थोड़ा सा जीरा स्प्रिंकल करिए और इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटोस। ग्रीन चिलीज एंड लिटिल बिट कोरिएंडर लीव्स। जब ये एक साइड से डन हो जाए तो इसे फ्लिप कर दें सेकंड साइड। ये देखिए हमारा भगर और साबुदाने का उत्पम टमाटो उत्पम बनके रेडी हो गया है बिल्कुल। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। और हम बनाएंगे सेम आटे का डोसा। इसके लिए हम 1 करछी आटा ले लेंगे और उसे डोसे के जैसे फैला लेंगे पूरे नॉनस्टिक तवे पे अच्छी तरीके से और इस पे डालेंगे 1 चम्मच घी के करीब और इसे सिकने देंगे थोड़ी देर। मैं इस पे डाल रही हूँ हमारे मसाले वाले आलू जो हमने रेडी किए थे जीरा वाले और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे आलूओं को।
देखिए हमारा डोसा भी क्रिस्पी हो गया है, नीचे से थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे डोसे को, और ये हो गया है हमारा डोसा रेडी। ये हमारा बगर और साबुदाने का डोसा रेडी हो गया है। आइए अब हम बनाते हैं अप्पे। हाँ जी, उपास में खा सकते हैं अब अप्पे भी। इसी आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा कड़ी लीव्स और टमाटो चॉप करके, एंड पिंच ऑफ सोडा और ग्रीन चिलीज। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा आटा सभी में पोर कर देंगे। अब इस कढ़ाई को लिड से कवर कर देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट बाद अप्पे कितने अच्छे फूल गए हैं एक साइड से। अब इन अप्पों को हम फ्लिप कर देंगे सेकंड साइड। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इन अप्पों पे और इन्हें फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी अप्पे बन के रेडी हो गए हैं। ढोकले को भी 20 मिनट हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसके लिए रेडी करेंगे भगार। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच तेल, इसमें डाला है जीरा, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, करी लीव्स, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर और 1 स्पून शुगर। जैसे ही इसको बॉईल आ जाएगा हम इसे डाल देंगे ढोकलों के ऊपर। ढोकलों को काट ले रही हूँ मैं अब यहाँ पर डायमंड शेप में, आप इन्हें स्क्वायर में भी काट सकते हैं। ये देखिए हमारे ढोकले कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अब इन ढोकलों पर डाल देंगे हम तड़का शुगर सिरप का। रेडी हो गया हमारा प्लेटर डोसा उत्तपम। अप्पे ढोकले ग्रीन चटनी और नारियल की चटनी के साथ आप इंजॉय करें ये नवरात्रे। ये नवरात्रे आप सभी के लिए शुभ रहें। हैप्पी नवरात्र। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, और आप कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।